back to my channel. My name is Honey and today's video is going to be a Miniso haul. Shorts video देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं recently Miniso गई थी. वहाँ का मैंने छोटा सा, मतलब वहाँ पे affordable चीज़ें भी दिखाती रहती हूँ मैं अपनी shorts में. So दो shorts आई थी जो कि उसमें वहाँ पे मैंने वहाँ का सारा affordable चीज़ें दिखाई थी. And now I have got a haul for you guys. So जो जो चीज़ें मैंने वहाँ से buy करी हैं, जो जो actually मुझे लगा था कि बहुत वर्दी हैं और actually they are really good इन क्वालिटी और उनका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है. सो आई हैव गॉट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम देयर. बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और स्किन केयर के तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट या लिमिटेड चीज़ें लाई हूँ मैं. बट जितनी भी लाई हूँ आई थिंक कि मुझे आप सबको भी दिखाना चाहिए. सो या एक छोटा सा प्यारा सा मिनी सो हॉल लेके आई हूँ. अगर हम कहीं पर गए हैं, शॉपिंग करी है, तो हॉल तो बनता ही है ऑब्वियसली. है हमारा सारा मिनीसो का सामान जो मैं लेके आई हूँ. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग. डियो डिओड्रेंट, आई मीन दिस इज जस्ट 4 रुपीज 90. कैन यू बिलीव दिस? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता. मतलब इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है. मैंने आज तक कोई इतना अफोर्डेबल परफ्यूम नहीं देखा है एंड द क्वालिटी एंड द फ्रेग्रेंस इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड. सो मुझे तो यही वाले पसंद आए थे. इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स भी थे. दिस इज इन द फ्लेवर ऑफ ट्विंकल स्टोन्स. मुझे बहुत अच्छा लगा ये था, ये क्योंकि एक तो फर्स्ट थिंग कि ये बहुत स्ट्रांग है. परफ्यूम हमेशा अगर आप ले रहे हो, मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती परफ्यूम लगाना, बट स्टिल अगर आप लगा रहे हो, अगर आपको लगाना ही है, सो आप गो फॉर स्ट्रांग परफ्यूम्स. क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो, सो अगर आप एनवायरनमेंट के यू नो ह्यूमिडिटी होती है एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाहर, राइट? सो आपकी फ्रेग्रेंस धीरे 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 एट द एंड ऑफ द डे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. बट वहीं पर अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस की तरफ जाते हो, सो वो थोड़ी थोड़ी बनी रहती है. सो दैट इज़ द मेन पर्पज, राइट? उसमें दे वर रियली हैविंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ सॉफ्ट टॉयज और बहुत सारी वेराइटीज़ भी थी एंड दे वर ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. बट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं, इसलिए मैंने सोचा और नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पूरा घर में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं. मेरी नीस है, वो भी खेलती है, सो मुझे भी पसंद है सॉफ्ट टॉयज़. ऑब्वियसली स्टार गर्ल को पसंद होते हैं. सो ठीक है, अच्छे थे वहाँ पे, बाकी बहुत अच्छे थे. इफ़ यू वांट टू बाय, और अगर आप किसी को गिफ्टिंग पर्पज़ के तौर पे गिफ्ट करना चाहते हो, तो मिनीसो वुड बी वन स्टॉप फॉर यू गाइस. आई मीन अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है कोई सॉफ्ट टॉय, वहाँ पर आपको बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत क्यूट क्यूट सॉफ्ट टॉयज मिल जाएंगे. सो यू कैन चेक आउट देयर, रियली गुड. सो नेक्स्ट थिंग जो मैं लेके आई हूँ मिनीसो से इज दिस. दिस इज़ ए आई लैश कलर. दिस वॉज मच नीडिड, मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, बिकॉज मैं फेक लैशेज लगाना बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करती हूँ. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फेक लैशेज लगाना. सो आई हैव गॉट माई नेचुरल लैशेज. मुझे टच वुड बहुत ठीक सी मिली है, मुझे फेक लैशेज लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो मैं इसको कर्ल करके, मतलब ये आई लैश कलर से कर्ल करके अपनी लैशेस को उसके ऊपर मस्कारा लगा लो एंड इट विल लुक स्टनिंग गाइस. मतलब मैं अब जो भी, मुझे अगर कोई गर्ल पूछे भी ना कि डू दे नीड टू हैव फेक लैशेस टू लुक गुड, मैं सीधा मना करने वाली हूँ सबको. क्योंकि यार अपनी नेचुरल जो लैशेस है, नेचुरल जो थिंग है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना हैवी हो जाता है वो जब आपके अपनी आईज़ पे फेक लैशेस लगाते हो, तो वो तो मुझे चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है. कर्ल कर लो और इसके ऊपर मस्कारा लगा लो एंड यू आर गुड टू गो. मतलब यू विल थैंक मी, लिटरली गर्ल्स यू विल थैंक मी इस चीज़ के लिए ना. ये बड़ी अच्छी बात कही है आप. आई लैश कर्लर एंड दिस वॉज 4 रुपीज़ 150 का मिला मुझे ये आई लैश कलर. क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी क्वालिटी का है. क्वालिटी में मिनीसो में क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की है. सो या थर्ड थिंग इज़ दिस हेयर ब्रश. ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत क्यूट लगा था, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हेयर ब्रश है, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी लिटरली, मुझे मैं बताऊँ तो. बट मुझे ये सिर्फ ये यूनिकॉर्न वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी, सो आई हैव गॉट दिस वन ऑल्सो. एंड ये था 350 रुपीज़ का, वेरी अफोर्डेबल क्वालिटी. अगेन क्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड एंड
very nice. Look at this. This is like this. And ये जो इसका हैंडल है ना, यूनिकॉर्न हैंडल, इसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है इसके लिए. कैन यू गाइस बिलीव दिस? थोड़ी थोड़ी बच्चों वाली हरकतें हैं मेरी, बट इट्स ओके. आई हैव गॉट दिस. 350 रुपीज़ का, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा है. और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यूनिकॉर्न वाले ही डिज़ाइन था, बहुत सारे और भी डिज़ाइंस थे. एंड एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे. एक स्टार वाला था, दैट वाज लाइक शिमरी स्टार्स जो होते हैं वो था. एंड अगेन इसके ऊपर एक बीड्स भी लगे हैं, जैसे नॉर्मल ब्रशेज होते हैं उनके ऊपर ये बीड्स नहीं होती है. सो इससे आपका हेयर जो आपका स्कैल्प भी थोड़ा सा मसाज हो जाता है जब आप ब्रश करते हैं अपने हेयर्स को. सो ये अगर लेने जाएं तो आप इंश्योर करो कि वो उसके ऊपर ये बीड्स लगी हो और अच्छी क्वालिटी का हो. अगेन आप अपने हेयर और स्कैल्प पे लगाने वाले जो चीज़ वो अच्छी क्वालिटी की ही होनी चाहिए. सो या थिंग दैट आई हैव गॉट दिस पैक ऑफ इयररिंग्स. ये इन पे एयरिंग्स पे एक्चुअली सेल लगी हुई थी 50% ऑफ. सो ये थे 260 रुपीज़ के, बट 50% ऑफ मिला मुझे इस पे. बहुत क्यूट हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट हैं. ये वुडन के बने हुए हैं, यहाँ से बहुत अच्छे लगे मुझे. इसमें और भी डिज़ाइंस थे बट मुझे सिर्फ ये एक ही पसंद आया, क्योंकि बाकी सारे वॉज लाइक अजीब थे थोड़े से. बट मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा. मेरे शॉर्ट वीडियो पे भी देखा होगा आपने, एक ग्रीन कलर का था, एक ब्लू कलर का था. आई वॉज लाइक नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है. दिस वॉज माई काइंड ऑफ थिंग. स्किन केयर के लिए कुछ ना लाती तो फिर तो क्या ही फ़ायदा मेरा मिनी से जाने का. सो मैं बहुत सारे शीट मास्क लेके आई हूँ. एक्चुअली मैंने स्टॉक करके रख लिया अभी ये शीट मास्क. ये देखो, सो ये वाले 60 रुपीज़ के थे. मैंने तीन फ्लेवर्स लिए, ये सारे 60 रुपीज़ के थे. ये मिनीसो के अपने शीट मास्क हैं. सो देखो, ये फर्स्ट वाला फ्लेवर था कोरियन जिनसिंग, बहुत अच्छा लगा था मुझे. मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस. सो नेक्स्ट वाज दिस बीट रूट फ्लेवर, एंड नेक्स्ट इज दिस पोमेग्रेनेट फ्लेवर. बहुत अच्छे लगे थे शीट मास्क. मतलब मैंने ये स्टॉक कर लिए हैं और भी है. वेट, शीट मास्क तो भर के लाइए. ये देखो, ये भी 60 रुपीज़ के ही थे. एंड मुझे ये फ्लेवर देख के बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि ये जो ये वाले क्यूकम्बर एंड एलोवेरा वाले मामा अर्थ से मैंने मंगवाए थे 150 रुपीज़ के, एंड दिस इज़ जस्ट 4 रुपीज़ 60. सो ऑब्वियसली अगर कोई अफोर्डेबल चीज़ मिलेगी कौन नहीं लेगा. सो दिस इज़ राइस वाला, राइस मास्क, नेचुरल ब्यूटी फेशियल मास्क, शीट मास्क हैं ये सारे. एंड क्यूकम्बर, क्यूकम्बर फ्लेवर है. नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इज दिस एलोवेरा फ्लेवर. बहुत अच्छे हैं सारे. यूज़ करूँगी, दिखाऊँगी और बहुत सारी चीज़ें भी बताऊँगी कि शीट मास्क को अच्छी तरह कैसे यूज़ करनी है. सो स्टे ट्यून्ड ऑन माई शॉर्ट वीडियो, वहाँ पर भी चेकआउट करते रहा करो. एंड नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव गॉट इज दिस आई मास्क, स्लीपिंग मास्क. सो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ट्रैवलिंग के लिए जो काम आती हैं, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली चीज़ें. ट्रैवलिंग पिलो था, मुझे वो अच्छा भी बहुत लगा था एक, बट सच में ज़्यादा ट्रैवल करती नहीं हूँ. सो ये स्लीपिंग मास्क तो फिर भी आप घर पे भी पहन सकते हो, आपके बहुत काम आ सकते हैं. एंड दिस वाज फॉर रुपीज़ 190. ये 190 रुपीज़ का है किटन वाला मास्क. बहुत अफोर्डेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी का है एक्चुअली में. इसके अंदर जो जेल बेस्ड है ये मास्क, कोई ऐसी मास्क नहीं है कि जैसे कपड़े का बना के दे दिया हो, इसके अंदर जेल है और बहुत रिलैक्सिंग होने वाला है. आई मस्ट से मैं इसको लगा के ज़रूर ट्राई करके बताऊंगी कि ये कैसा लगा था. ये सारी चीज़ें लाई थी तो थोड़ी सी चीज़ें, एक स्मॉल सा क्यूट सा हॉल था. जस्ट लाइक मिनीसो के प्रोडक्ट्स क्यूट होते हैं, तो ये मेरा भी प्यारा सा क्यूट सा हॉल था मिनीसो का. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे अलकट हंस.
वैसे मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं वो सारे सॉफ्ट टॉयज ले लूँ और बहुत सारी स्किन केयर की भी चीज़ें ले लूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं. सो आई थिंक कि वहाँ पर पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता था. एंड आपको भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है या ऑन डिस्काउंट मिल रही है, अगर आप ऑन सेल, अगर आपको कोई चीज़ सेल में भी मिल रही है और आपके पास वो चीज़ पहले से है और अगर आपको, या फिर आपको उसकी नीड नहीं है, सो डोंट गो फॉर इट. डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी. मतलब या ये मेरा एक सजेशन था आप सबके लिए. सो या लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. एंड इफ यू हैव एनी कंटेंट आइडियाज डू ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.